लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के अतुल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है पत्रकार परिषद किया है। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आज किस मुद्दे को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? मैं अतुल लोंडे पाटिल हूँ, पूरा नाम मेरा। देखिए, ड्रग्स ने पंजाब के युवाओं को ख़त्म करने का काम किया था, उड़ता पंजाब का। हमारा वायदा है कि हम गुजरात को गांधी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गुजरात को हम उड़ता गुजरात होने नहीं देंगे। ये गुजरात एकात्मता का, ये गुजरात विकास का, ये गुजरात शांति अहिंसा का जो प्रदेश है उसको बनाए रखने का काम कांग्रेस ज़रूर करेगी। अब देखिए, कंटिन्यू ड्रग आ रहा है। अदानी जी पहले कहते हैं कि हम अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का कोई कंटेनर लेंगे नहीं, बावजूद उसके कंटिन्यू कंटेनर आते हैं, अपना ही सर्कुलर वापस लेते हैं, तो इसके पीछे कौन है? गुजरात का ड्रग्स का पेडलर पाब्लो एस्कोबार कौन है? और एनआईए को ट्रांसफ़र करने के बाद आज तक इंटरनेशनल सिंडिकेट, डोमेस्टिक सिंडिकेट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता है, तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? जब संसद में अधिवेशन में सवाल पूछा जाता है तो नित्यानंद MOS HOM वो ये जवाब देते केस एनआईए को दिया है। तो एनआईए कर क्या रही है? एनआईए ने अब तक कौन सी कार्रवाई की? ड्रग्स आता थमता क्यों नहीं है और कितना ड्रग्स देश में पहुंच चुका है? ये सारी गलत बातें जो है, इसे अगर ख़त्म करना होगा तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार लगेगी, एक सरकार जिसने ये करके दिखाया है वो सरकार लगेगी। स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, इंटरपोल से कनेक्ट कर एक्स्ट्राडिशन करवाना पड़ेगा गुनहगारों का, और डोमेस्टिक लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट को भी ख़त्म करना पड़ेगा जो कांग्रेस करने की वायदा देती है, क्योंकि कांग्रेस कहती है ड्रग्स नहीं रोज़गार दो। सर, दो दिन पहले ही राज्य के गृहमंत्री हरसंघवी ने कहा था कि जो ड्रग्स जो है हमारी जो पुलिस है वो अन्य जो है कांग्रेस जहाँ की सरकार है, चाहे आप आम आदमी पार्टी की सरकार जो है आप पंजाब की बात कर ले या दिल्ली में से उन्होंने खुद ड्रग्स वहाँ से पकड़कर गुजरात की पुलिस लाई है, सर इस तरह का उन्होंने निवेदन दिया। देखिए, यहाँ से गया हुआ ड्रग्स, पहले कहते हैं कि हमने सारा ड्रग्स पकड़ा है, अभी खुद ही सबूत दे रहे कि ड्रग्स निकला है यहाँ से, इसलिए पता चला है। तो जो निर्णय, जो सफलता एनआईए ने देनी चाहिए थी वो अब तक क्यों नहीं दी? कौन सी पुलिस काम कर रही है? क्या एनआईए ने देनी चाहिए थी वो अब तक क्यों नहीं दी? कौन सी पुलिस काम कर रही है? क्या स्पेशल टास्क फोर्स लगाया है? क्या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगाया है? क्या नार्कोटिक्स में एनसीबी लगाया है? अरे एनसीबी का मुखिया कई सालों तक नहीं था यहाँ पर, जब कांग्रेस ने दबाव डाला तब एनसीबी को मुखिया मिला, तो इस तरह की लापरवाही क्यों? इंटरनेशनल सिंडिकेट आपने क्यों नहीं पकड़ा? डोमेस्टिक सिंडिकेट क्यों एक्सपोज नहीं होता है? कौन है पाब्लो एस्कोबार गुजरात का? कौन मास्टरमाइंड है इसका? ये कौन बताएगा? कौन पकड़ के देगा? और निजात कौन देगा इस गर्वी गुजरात, जो कहते हैं हम लोग, गर्व है हमें गुजरात का, गर्व है इस गुजरात का जहाँ से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, उनके गुजरात को ड्रग्स अगर इतना फैल जाता है तो आपने क्या किया, इसका जवाब कौन देगा? सर, भरूच में जो है 8 महीने पहले से एक फैक्ट्री चल रही है जहाँ पर मुंबई ATS और गुजरात की SOG जो है भरूच जो SOG ने LCB मिलकर करीबन 2600 करोड़ रुपए का जो है ड्रग्स वहाँ से बरामद किया, कंपनी 8 महीने से पहले चल रही थी। हमारा कहना यही है कि यहाँ ड्रग्स के व्यापार का पाब्लो एस्कोबार कौन, डबल इंजन की सरकार बार बार फेल क्यों हो रही है? और आप ही बता रहे हैं अभी कि 8 महीने से पहले वहाँ कारोबार चल रहा था, और महाराष्ट्र की ATS ने, जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भंडाफोड़ किया, मजबूरन करना पड़ा होगा, महाराष्ट्र की ATS पहुँच गई यहाँ पर। 25 ग्राम ड्रग्स के लिए जो भाजपा इतना बखेड़ा खड़ा करती है और लाखों करोड़ का ड्रग्स आता है उसके बारे में कुछ नहीं कर पाती है, इसी में सब कुछ उनकी असफलता नींद दिखती है। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, ड्रग्स नहीं चाहिए। सर, एक खास बात है कि हाल में विधानसभा का चुनाव गुजरात में है, तो क्या कांग्रेस के पास सिर्फ ड्रग्स ही मुद्दा है? राहुल जी ने 8 वचन दिए हैं। किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही है, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, महाराष्ट्र में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, कर्नाटक में करके दिखाया, और कोई तकलीफ नहीं। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने 62 कॉलम का फॉर्म बनाया था, किसानों को इंटरनेट की लाइन में बीवी के साथ खड़ा किया था,
62 सवाल पूछते थे, उनको ऐसा लगता था कि कर्जा मत दो लेकिन तकलीफ मत दो। यहाँ तक तकलीफ है, अभी इतनी बारिश आई है, किसान अड़चन में है और महाराष्ट्र के नेता जाने से बाज नहीं आ रहे, तो ये कर नहीं सकते कहने का मतलब। हमने करके दिखाया, दूध पे कर्नाटक में हमने 10 रुपये की 5 रुपये की सब्सिडी दी थी, यहाँ 5 रुपये की सब्सिडी दी, करके दिखाया। रोजगार आज सबसे कम छत्तीसगढ़ में है, 2.2%, बाकी सब जगह देख लीजिए आप जितने भाजपा शासित राज्य हैं। तो जो अर्थव्यवस्था को चलाने का एक माता होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए और जनता के प्रति जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से ये लोग कर नहीं पा रहे। 27 साल का कुशासन है, क्या प्रगति है मुझे बताओ। आज आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो एक टीचर का स्कूल है, टीचर नहीं है। 3,000 स्कूल का वायदा किया है सरकारी स्कूलों का, तो उसके ऊपर हम 8 वचन के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। आज का मुद्दा था युवाओं को बचाना चाहिए, युवाओं को बचाना चाहिए, क्योंकि गुजरात में कई बार जो है ड्रग्स यानी कि NDPS का जो केस है, ड्रग्स जो है बाहर से आता है या गुजरात से कहीं और जाता है, अडानी पोर्ट पर कभी मिलता है तो कभी गुजरात के अंदर से ड्रग्स बरामद होता है। इन तमाम बातों को लेकर जो है आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल का आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए, उनको उस दिशा से ना जाने के लिए इस प्रकार से मीडिया से बातचीत किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स का जो कारोबार है कितना रुकता है, युवाओं पर कितना इसका असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।